हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ेंगे भाषा क्या होती है और भाषा के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की भाषा होती है, मातृभाषा क्या होती और लिपि क्या होती है, स्क्रिप्ट। तो चलिए एक एक करके सभी समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाषा क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं भाषा क्या होती है। तो भाषा की परिभाषा क्या होती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा। ये तो हो गई भाषा की डिफिनेशन। अब देखते हैं भाषा के प्रकार कितने होते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। फर्स्ट मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, और सेकंड लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, जब हम अपने विचारों या भावों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, सुनने वाला उन्हें सुनकर समझ लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं। और लिखित भाषा क्या होती है, जब हम अपने विचारों या भावों को लिखकर दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। फिर आगे देखते हैं मातृभाषा क्या होती है, मदर टंग क्या होती है। तो मातृभाषा का अर्थ है, मात्र मतलब माता, माता की भाषा अर्थात वह भाषा जिसे बच्चे अपनी माँ से सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, मातृभाषा। बच्चे की माँ जिस भाषा का प्रयोग करती है बच्चे भी सबसे पहले वही भाषा सीख जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, माता द्वारा जो भाषा सीखी जाती है बच्चों को उसे क्या कहते हैं, मातृभाषा। अब इसके बाद देखते हैं लिपि क्या होती है, स्क्रिप्ट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं लिपि स्क्रिप्ट क्या होती है। तो किसी भाषा के वर्णों को लिखकर प्रकट करने का एक ढंग होता है जिसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी भाषा की ध्वनियों वर्णों को लिखकर प्रकट करने के लिए एक निश्चित लिपि होती है। विश्व में सभी लगभग अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं, उन्हीं वर्णों को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि। तो अब देखते हैं कि किस भाषा की लिपि क्या होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, देवनागरी। जो हिंदी भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। उसी प्रकार अगर बोला जाए इंग्लिश भाषा की लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है, तो अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि में। अगर पंजाबी भाषा की लिपि पूछी जाए, पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है, जो पंजाबी भाषा होती है किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि पूछी जाए तो उर्दू भाषा की लिपि क्या होती है, उर्दू भाषा लिखी जाती है फारसी लिपि में। हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। इसी प्रकार इंग्लिश भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, उर्दू भाषा की लिपि क्या होती है, फारसी लिपि। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।